इसका स्पीड देखिएगा दिल खुश हो जाएगा। एक ध्यान रखना पड़ता है दुल्हन नहीं सर। तो नेटवर्क भेजने के लिए एक ऐसा माध्यम चाहिए था। हमको जो डाटा आता है वो किसके माध्यम से आता है? अभी नई टेक्नोलॉजी जितनी आ रही है वो सब किस पे काम कर। टॉर्च को जब हम दिखाते हैं तो एक समय आता है कि टॉर्च की रोशनी खत्म हो जाती है। रीजन क्या है कि रास्ते में वो बिखर जाती है और बिखरते बिखरते एक समय आता है खत्म हो जाता है। लेकिन अगर एक ऐसा रास्ता दिया जाए कि प्रकाश खत्म ना हो, इसी पर रिसर्च किए थे नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी ने एक पाइप लिया, कांच लिया इस टाइप का, समझ में आ गया? और इसमें ना इस कांच में उन्होंने प्रकाश को गुजारा, प्रकाश को एक ऐसे एंगल पे गुजारे ना कि यहां पे हो गया क्रांति कोण से ज्यादा। अब बताइए क्रांति कोण से ज्यादा हुआ तो ये हिल पाएगा, वापस इधर ही आ जाएगा? क्योंकि जब भी आप क्रांति कोण से ज्यादा एंगल पे झुका के लाते हैं तो कोई चीज अपवर्तन ना होकर बल्कि क्या हो जाती है, बराबर। तो इसमें अगर ऐसे टॉर्च दिखाते, मतलब इस टाइप से सीधे नीचे से, तो क्या कर जाता, क्रॉस कर जाता। इसको टॉर्च उन्होंने कैसा दिखाया? तिरछा। जब तिरछा दिखाएंगे तो क्रांति कोण से ज्यादा हो जाएगा, तो टकरा के प्रकाश कहां चलाया? नीचे। कहां चलाया? नीचे। और नीचे में भी वो प्रकाश क्या हो गया? तिरछा। अब यहां से भी क्रॉस हो पाएगा? क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वापस कहां चला जाएगा? इसी माध्यम में, इसी में चला गया। अब फिर यहां पे कितना कोण है? क्रांति कोण। कितना कोण है? क्रांति कोण पे माध्यम क्रॉस हो पाता है या लौट जाता है? तो बताइए माध्यम क्रॉस हो गया, इसी में लौट आएगा? इसमें लौट आया। अब फिर वही घटना कहां होगी? यहां पे। अब फिर बताइए क्रॉस करेगा कि लौट जाएगा? अब बस इसी समय इसी में प्रकाश क्या होने लगा? जाने लगा। अब आप बताओ अगर बहुत मोटा पाइप रख देंगे, बहुत मोटा पाइप, तो हो सकता है क्रॉस कर जाए। पतला पाइप रखेंगे खटाखट खटाखट क्या हो, मूव करे। जितना पतला पाइप रखेंगे उतना तेजी से मूव करेगा। इतना मोटा पाइप में ज्यादा मूव करेगा या पतला पाइप में? ज्यादा मोटा पाइप रखेंगे ट्रेवल ज्यादा करना पड़ेगा, पतला पाइप रखेंगे ट्रेवल कम करना पड़ेगा, खटखट खटखट चला जाएगा। आगे बढ़ो भाऊ, खोज किसने किया? अंदर ये मोटा रहना चाहिए पतला? हाँ, एकदम पतला रहता है बाल बराबर। इससे फायदा क्या हुआ? शुरुआत में तो लोगों को लगा कि प्रकाश मोड़ने के काम में आता, लोग मेला में बेचने लगे उसको। नरेंद्र सिंह कपानी का कोई नाम नहीं हुआ। बाद में जब आया 3G 4G 5G तो कहा गया कि भैया इस नेटवर्क को लेके कैसे जाएंगे, क्योंकि तार के माध्यम से अगर ले जाएंगे तो हर एक तार में प्रतिरोध होता है, हर एक तार के बीच में न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, उससे सुरा सारा 5G 4G को नाश देगा सब। इलेक्ट्रॉनवा बीचवा में घूमते रहता है, 5G से पूछेगा कहाँ हो एयरटेल, न्यूट्रॉन मारेगा भाई यहाँ से, जाने ही नहीं देगा उसको, जाने नहीं देगा उसको, संगा रहेगी नहीं आएगा। अब ऐसा माध्यम चाहिए था जो बीच में कोई ना हो। तो नेटवर्क भेजने के लिए एक ऐसा माध्यम चाहिए था जो बीच में कोई ना हो। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी लाया गया, एक में से दूसरे, जैसे आपके टावर से डेटा भेज दिया। लेकिन उसमें एक समस्या था, बीच में धूल, हवा, बारिश, मौसम, हर एक चीज प्रभावित करते थे। बारिश में आपके मोबाइल का नेटवर्क चौपट हो जाता है। अब बताओ हम लोग को क्लास लेना है, बाहर बारिश हो रहा है, नेटवर्क हवा के भरोसे रहेंगे तो क्लास वाइस चलेगा, इसे रुक जाएगा, कभी हिल डुल कर जाएगा। तो हमें कैसा चाहिए था? ऐसा जिसमें मौसम का कोई प्रभाव ना। तो फिर डायरेक्ट हम लोग क्या ले लिए, लोग ब्रॉडबैंड। क्या ले लिए? ब्रॉडबैंड। अब ये है, यहां पीछे क्या आएगा? केबल। पीछे से क्या आएगा? केबल। इसमें लग जाएगा क्या जी? केबल लग जाएगा, ऑप्टिकल केबल इसमें लग जाएगा। अब बताइए ये क्या करेगा? नेटवर्क दे देगा। तो हम लोग लाइब्रेरी में लेके आते हैं क्या चीज? ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर यानी केबल लाते हैं। केबल सबके मोबाइल में तो नहीं कोचेंगे, लाओ मिल गया ऑप्टिकल फाइबर। इस ससुरा बहुत बड़ा झुंझुना चीज है, तो इनको मुड़ जाएगा ना तो टूट जाएगा। इसको पहन लेते हैं ना तो गड़बड़ा जाएगा, यहाँ पे टूट जाएगा ना, नीचे पैर और से जता जाता है ना, काम खराब होता है। एक ध्यान रखना पड़ता है दुल्हन नहीं सन। चलो ध्यान दो, ये है राउटर। क्या राउटर? इसको क्या बोलता है सोचा? हम लोग तो राउटर ही बोलते हैं, राउटर। तो अब बताइए ये पीला वाला है किसको, किसको किस में लगाएंगे? इसको फंस गया। ये देखिए, अरे बकलोलवा तुम शांति से रहो ना।
ये लग गया। अब बताइए इस ये क्या चीज है, ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर इंडोर होता है, इसे केवल हम घर में लगा सकते हैं, इसकी लेंथ ज्यादा नहीं दी जाती है, बहुत कमजोरी, अंदर से खोखला है, अंदर से क्या है खोखला है। अब इसको हम लगा दिए राउटर, पकड़ो इसको राउटर पकड़ो, जांच मत देना तुम हमारा ई केबलवा पकड़ो। अब देखो ये क्या करेगा, डेटा बाहर दे देगा, इधर लाओ सामने, हाँ ये डेटा को क्या करेगा बाहर देगा। ये तार इंडोर के लिए होता है आउटडोर के लिए, हाँ इंडोर के लिए, ये कमजोर होता है बाहर में ना, ये मुड़ जाएगा, इसलिए इसको एकदम आराम से रखा जाता है। इसको सबसे ध्यान से, इसको ज्यादा तनिको ऐसे मोड़े ना, इसके बाद अगर गिए ना तो अंदर का जो ग्लास वाला हिस्सा है जो इसको परावर्तन कर रहा है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बट डेटा यहां से आगे वहां जाएगा ही नहीं। अब ये तो है इंडोर, क्या हम इसे बाजार में ले जा सकते हैं? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मजबूत वाला, तो इसके बगल में ये वाला जोड़ेंगे, मजबूत वाला, क्या जोड़ेंगे, तो बाहर में कौन सा जाएगा मजबूत वाला, ये बस इसी के बाहर ये कवर लगाया हुआ, ये नॉर्मल कवर है, ये मजबूत कवर है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से हम किस में लाएंगे, मजबूत कवर में, और जब राउटर के पास लाएंगे तो नॉर्मल कवर में, क्योंकि इसको इधर उधर ले जाना होता है, उस दूसरा मुड़ता ही नहीं है। और ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये क्या है ऑप्टिकल फाइबर, पीले रंग का नहीं होता, अंदर इसके कुछ नहीं है, खाली एक ठो पाइप है, पतला पाइप है। अब ये ले लिया, और ये किसको दे दिया, राउटर को, और राउटर सिग्नल क्या कर देगा, बांट देगा, आईसी को ले जाकर लाइब्रेरी में ठोक देंगे, इसको क्या कर देंगे, ठोक देंगे लाइब्रेरी में। अब आप लोग इससे कनेक्ट करते रहिएगा, क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे, जाओ इसे क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे, इससे कितने लोग कनेक्ट हैं ये सारा डेटा हमारे पास है। अगर हम सोचें, डिस्ट्रीब्यूटर अगर सोच ले कि आप किस साइट को देखेंगे किस साइट को नहीं देखेंगे, उसके पास सारा डेटा रहता है, समझ में आ गया। इसलिए देखिएगा कोई भी कॉन्फिडेंशियल काम लोग वाईफाई से नहीं करता, मतलब ऐसे आप लोग में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला लेके रखा है जो? ऐसा नहीं मतलब, लेकिन ना अगर आप किसी थर्ड पार्टी का क्या यूज कर रहे हैं तो उसे आप 100% ऐसे ना ही आपका कोई बैंक का डकैती डाल सकता है ना कुछ, तुम लोग के लिए बैंक के लगता है कोई लूट लेगा, मतलब जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मैटर है, आपने कोई साइट सर्च किया तो जो रॉ वगैरह वाले होते हैं सब ना, उस लेवल की बात चीज की हम बात कर रहे हैं। ऐसे तेरा बैंक नहीं लूट सकता आदमी, बैंक में तो पैसे को तो लूटने से ज्यादा खर्चा आ जाएगा तुम लोग का, पिताजी का अकाउंट यूज कर नहीं करो। अब देखिए ध्यान से, इसमें आप लोग कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। अब इसके हम लोग कौन सा यूज करेंगे, यहां से हम केबल यूज करेंगे, यहां से हम क्या लगाएंगे केबल, देखो जी मिस्त्री केबल, ठीक है हम बता रहे थे केबल इसमें लगेगा, इसमें ये लग गया। हमको यूज करना है तो केबल, और आपको यूज करना है तो हवा में, आप लोग क्या यूज करेंगे, हवा वाला, रेडिएशन वाला, समझ आ गया कि नहीं आ गया, बताइए रेडिएशन वाला तगड़ा देगा या केबल वाला, हाँ लाइव वाले बताइए कौन सा तगड़ा देगा, केबल वाला। तो हम कौन सा यूज किए हैं, केबल वाला, और स्टूडेंट के लिए तुम लोग इसमें लचीदाना की तरह प्रयोग करो, नेटवर्क बटेगा, नेटवर्क कटेगा, सब में बटेगा, ये वाला कटेगा, ये अकेले आएगा, समझ आ गया। तो ये है पावरफुल, समझ आ गया। अब इसको ले जाकर कंप्यूटर में कोच देंगे, इसको किसको देंगे कंप्यूटर में, 1 सेकंड, ये 100 Mbps स्पीड देता है, हम लोग का कितना है यहां वाला 150, हम लोग काम चलाते हैं 150 में, 70 Mbps से नीचे रहेगा तो लाइव नहीं जाएगा, मतलब दिक्कत आता है, 150 Mbps मतलब समझिए 150 MB की फाइल 1 सेकंड में, और इससे 150 बोलता है ना तो 150 देता है, ई नहीं देता है, ई भी देता है, अगर इससे एक आदमी कनेक्ट है तो 150 देगा, इसकी क्षमता कितनी है 150, अब बांट जाएगा सब में, लाइब्रेरी में जाएगा, बांट जाएगा सब में, तो हमें कोनो डाउनलोडिंग में लगे है, कोनो वीडियो कॉल पे बतिया रहा है, कोनो फोन ऑन करके वाईफाई से कनेक्ट करा के रो रहा है व्हाट्सएप पे, कोनो कुछ कर रहा है, तो है तो 150 इसका, लेकिन इस पे बट गया है 75 जगह, और जबकि ये वाला धड़ाम से मारेगा डाउनलोड एकदम, देखिएगा तब आपको लगेगा कि हम सच में अमेरिका में हैं। ब्रॉडबैंड कितने लोग यूज किए हैं, ये वाला ऑप्टिकल स्पीड देता है कि नहीं, इसका स्पीड देखिएगा दिल खुश हो जाएगा। और हम लोग का क्या है ना कि जहां भी जाएंगे, जहां भी रहते हैं वहां ये वाला रहता ही रहता है, एक ठो डाल दिया कंप्यूटर में
अब बाकी डाल दिया अपने यूज के लिए। तो क्लासरूम में, चेंबर में, ऑफिस में, ये हम लोग अपने यूज के लिए रखे। हमारा रिचार्ज करेले आपन बहुत टाइम हो जाता है, वो डेटा वाला। बाहर निकलेंगे वाईफाई से तो ही यूज होगा, और उसके बाद जो वो वाला यूज करते हैं ना तो लगता है बहुत धीमा है। 5G इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे। इसके आगे 5G ना आपको कहेंगे दूर चट्टा कहीं कहें, मैं कौन सी कर रहा है। इसमें बफरिंग मतलब कुछ नहीं, क्लिक किए डाउनलोड फाइल चल गए। हम कितना 150 MB से बड़ा फाइल रखेंगे, मान के चले 300 MB, 1 GB फाइल रखे, 4 सेकेंड 5 सेकेंड 1 GB का फाइल ऐसे डाउनलोड होगा ये। ओके, बहुत इसमें एक से एक आते हैं। हम लोग अपने जरूरत से लिए 150 MBPS, इससे भी और तगड़ा जिसको जरूरत होगा। अब नासा जो इसरो जो सैटेलाइट लॉन्च की है, आपको कौन सी लगा 150 MBPS की होगी, उसका तो और टीवी में होगा। तो बताइए ऑप्टिकल फाइबर का यूज है कि नहीं है? ये इंडोर है या आउटडोर है? इंडोर इसलिए ना कि इसको बार बार हम लोग को चेंज करना होता है, कभी यहां लगाए कभी वहां लगाए, तो ये तार थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लेकिन जब आप वाईफाई लीजिए कहेगा देखिए ये केबल इसको बचा के रखिएगा, इसको बचा के रखिएगा। और आउटडोर वाला क्या होता है, मजबूत, इसी पे 5 लेयर चढ़ा देता है और कुछ नहीं। मतलब इसके ये तो एक हल्का येलो कलर का लेयर है, वो क्या करेगा 5-7 और चढ़ा देगा, ले अब हो गया मजबूत, अब वो नहीं टूटेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े लाइव वाले लोग, किसी को दिक्कत? वाईफाई का रेंज कितना, रेंज जितना दूर जाएंगे नेटवर्क कमजोर होते जाएगा, अब पास रहेंगे तो मजबूत रहेगा। हो गया, कोई दिक्कत? निकाल दिए क्या जी? आप लोग को समझाने के लिए ना एक तो को बाहर रखना पड़ा है, और जहां अगर एक ठो वाईफाई पे अभी हम लोग काम चल रहा है, मतलब अभी ये लाइव क्लास किस पे चल रहा है, 1 सेकेंड राउटर पे चल रहा है। अगर वो कटा रहता ना, इसको हम लेके समझा रहे थे उसी के भरोसे थे एक, अगर वो कटा रहता चल जाता, लेकिन कटता नहीं है, इसीलिए लिया जाता है कि कटे नहीं। लेकिन सोचिए क्लास है तो हमको 2 लेके रखना पड़ा, एक की जरूरत महीने में 2-3 मिनट के लिए पड़ती है, लेकिन उसी के लिए हमको कितना लेके रखना पड़ता है, 2। मेरे गांव में तो 100 MBPS है ही नहीं है, हमारे गांव में भी BSNL दिया था, वो का कब JCB तार कोट देता था तो कब कुछ कर देता, कभी उसका पिंग बहुत ज्यादा हो जाता था। वो कंप्यूटर में समझिएगा पिंग मतलब होता है लेटेंसी, कितना लेट नेटवर्क आ रहा है, ज्यादा पिंग रहेगा दिक्कत हो जाता है, ज्यादा पिंग अच्छा बात नहीं है, जरूरत के हिसाब से होता है। जैसे आप लोग के लिए क्या जरूरत है, पिंग ज्यादा रहा, हम लोग के लिए पिंग में दिक्कत हो जाएगा। अगर पिंग बहुत ज्यादा हो गया ना तो हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग क्लास, अभी नहीं धीरे नहीं। देखो दो चीजें समझो, एक होता है गुड मॉर्निंग क्लास, ये नेटवर्क कमजोर है, पिंग कमजोर नहीं है, नेटवर्क कमजोर है, बतिए धीमे जा रहा है। लेकिन अगर हम बोले गुड मॉर्निंग क्लास, उसको बतिए जाएगा 10 सेकंड बाद, हम बोल दिए गुड मॉर्निंग क्लास, अभी उसको गया ही नहीं होगा, उसके बाद सुनाई देगा गुड मॉर्निंग क्लास, उसको नेटवर्क कमजोर नहीं होगा, नेटवर्क लेट पहुंचेगा।